वेल डार्लिंग, मेरे लिए फैंस उतने मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखते हैं लिमिटेड लोग। मेरे वीडियो जो है वो नीता अंबानी देखती हैं। यू फैंस दीपक फ्रॉम कश्मीर, माँ मुझे टाटा कचो माँ। सुन भाई, जो लोग तुझे देखकर तेरे पीछे मारने को दौड़ते हैं ना, उन्हें फैंस नहीं कहते। तुम जैसों के पास ये फैंस तो होते नहीं है, इन फैंस की ज्यादा बातें कर रहे हो तुम। क्योंकि पैसा है ठोके है मेरे पास है, क्योंकि यही मेरी औकात है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। कल परसों में वायरल बॉलीवुड ने दीपक कलाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, जिसकी कोई जरूरत तो थी नहीं, पर फिर भी यार उसकी वजह से हमें एक कंटेंट जरूर मिल गया। इस चमगादड़ का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ शर्मा जी के लड़के को। अब ये वही है जिसकी वजह से तुम कई बार पिटे थे, वैसे अच्छी सजा मिली है इसे। अब इस इंसान का अगर, इंसान कहना ही गलत है, वैसे इसका अगर इंटरव्यू लेना पड़े तो फिर तो सजा ही कहलानी चाहिए। हमें इस चमगादड़ से जितनी उम्मीदें थी ना, उन पर पूरी तरीके से खरा उतरा, या ये कहें कि ये एकदम आगे ही निकल गया है। इसने पूरे एक घंटे की वीडियो में अपनी चमगादड़ी इस हद तक फैलाई है कि देखने और सुनने वालों के आंख और कान से खून निकल आया हो। अगर तुम लोग के मन में गलती से भी ये सवाल आ रहा हो ना कि मैं इससे चमगादड़ी क्यों कह रही हूँ, मतलब कोई और जानवर क्यों नहीं, तो इसका जवाब भाई तुम्हें वीडियो के एंड में मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्लाइड करके एंड पे चले जाओ, वीडियो को पूरी देख लेना, बिकॉज बोलना पड़ता है, तुम लोग देखते नहीं हो पूरी। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। भी मुझे रोस्ट किया है, और धीरू मोंचाक बहुत अच्छे डांसर है, मुझे उसके डांसिंग स्टेप्स बहुत पसंद है, और मैं उनको धीरू मोंचाक देसी बॉय कहता हूँ, और फिलहाल वो मेरे सपनों के राजकुमार है। तो शेरवानी अपनी शादी, आई मीन शादा के लिए सिलवाई जा रही थी, बट भाई डीजे मिनरल का भी राखी सावन की तरह ही दिल टूट गया यार। वैसे आपको पता है इनकी शादा कहाँ हो रही है? इनकी शादा हो रही है कश्मीर के एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड पे। सही सुन रहे हो, आइलैंड बुक किया है, और मैं इस आइलैंड में अकेला रहता हूँ। कितना खूबसूरत है ये नगाड़ा, इसे कहते हैं कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर में आपने एक आइलैंड बुक किया है। अब ये चमगादड़ तो शादा करने किसी भी और शहर में जा नहीं सकता, क्योंकि इसने अपना मास्टर प्लान जो पब्लिक कर दिया है यार। एक समय था जब आप उनसे बहुत मतलब अच्छे से बात करते थे, आपने एक बार वीडियो बना के कहा था कि हिंदुस्तानी भाव आप तो बड़े हॉट हो, और अब आप उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या हो गया इस दौरान आपके बीच में, दोनों के बीच में? क्योंकि तब मैं बंबई में आने वाला था, और अगर मैं बंबई में आता था तो वो मेरी चटनी बनाता था। तो उससे बचने के लिए मैंने एक चाल चली। मैंने सोचा कि अगर मैं बंबई आ रहा हूं मेरे फिल्म के शूटिंग के लिए, क्योंकि मैं करण जौहर के साथ वो धर्मा प्रोडक्शन में हरामजादे कर रहा हूं, तो उसकी शूटिंग के लिए मैं बंबई आने वाला था, तो ये वहां पे आके तमाशा करता, तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने चाल चली। मैंने टेम्पररी माफी का वीडियो बनाया, और जैसे ही मेरा शूटिंग खत्म हो गया फिर दोबारा इसको लात मारने की सोची। अभी मैं कश्मीर में हूँ तो अभी मैं उसको डरता मत हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बंबई में आऊंगा एक आधा सॉरी का वीडियो बना के उसको ठंडा कर दूंगा, यही मेरी चाल है। और अब ये प्लान हर जगह एक्सेप्ट तो मतलब नहीं हो सकता ना। इनकी वेडिंग बहुत ही ग्रैंड होने वाली है, क्योंकि और मुझे कुछ व्यूज देखकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनको मैं बोरी भर भर के बांटता हूँ, उनके मुंह पे वो बोरी मार के फेंकता हूँ, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मेरे पैसे के बोरी से जख्मी भी हो जाते हैं। तो मुझे कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मेरे मम्मी जाजी लॉस एंजलिस में रहते हैं, डोंबिवली में नहीं। अगर तुम लोग गलती से भी ये सोच रहे हो ना कि इसके पास इतना पैसा आता कहां से है, तो इसका भी जवाब दिया है इसने। के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है दीपक जी? पैसा है ठोके है मेरे पास है, क्योंकि यही मेरी औकात है। वैसे धीरू मोंचाक या किसी भी गेस्ट को कश्मीर के इस आइलैंड पे पहुंचने में कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली, क्योंकि वहां इस चमगादड़ का चमगादड़ छाप एयरपोर्ट भी तो बनने वाला है। वेल, मैं एक वीआईपी पर्सन हूं, और कश्मीर में जो है वो मेरे नाम का एयरपोर्ट बन रहा है। गुलमर्ग में मेरे बहुत मुरीद है, और गुलमर्ग में मेरे नाम का एयरपोर्ट बन रहा है। गेस्ट में कौन कौन होने वाला है ये तुम लोग नहीं जानना चाहोगे क्या? यार इनके सारे फैंस, वैसे जिनकी इसको कुछ पड़ी नहीं है, और शायद वो लोग जिसका ये चमगादड़ ने दिल तोड़ा था, ताकि वो भी यार थोड़े सा फेम खा सकें। नहीं समझे?
नहीं समझे तो कोई बात नहीं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। पेन था, मैंने सोचा कि अगर ये कटुरी ने मुझसे 4 करोड़ लिए है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी और मैंने उसको 4 करोड़ डॉलर्स दिए, लेकिन इसने कभी मुझे लौटाए मत, तो मैंने सोचा पैसे तो ये देने वाली है नहीं, तो इसके फेम को खाते है। लेकिन इसके शादी में जाने में ना बहुत ही ज्यादा खतरा है क्योंकि ये लोगों को लात मारने की धमकियां देता रहता है, इनफैक्ट लात मार के भगा देगा ना। उनकी हड्डी सुजाऊंगा, उनको मारूंगा, उनको कहो कि अगर दम है ना दम, अगर हिम्मत है तो इधर कश्मीर में आओ। हाँ, ये लोगों की हिम्मत है ना, इधर कश्मीर में आओ। ये लोगों को ऐसे लात मारूंगा, ऐसे लात 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 मार के ये लोगों को मैं गिराऊंगा। चाहे ये लात मारे या गालियां दे, कुछ फैंस तो फिर भी नहीं मानने वाले। अब ऐसे कुछ फैंस के बारे में बताया था इसने, बहुत जगह घूमते भी हो, आपके साथ में सबसे गंदा या फिर सबसे वियर्ड फैन एनकाउंटर कौन सा हुआ था? कि कोई फैन ने कोई बहुत ही बुरी चीज की हो या फिर कोई ऐसी चीज की हो जो आपने बिल्कुल सोचा ही ना हो, हमें दर्शकों को बताइए। एक फैन ने मुझे कहा कि तुम्हें मुझे सेल्फी देनी होगी। मैंने कहा कि मैं सेल्फी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पिंपल्स आए हैं। अच्छा। तो वो फैंस जो है वो नाराज हो गया, वो मेरे पैर पकड़ने लगा और कहने लगा कि अगर तुमने मुझे सेल्फी नहीं दी तो मैं आत्महत्या करूंगा। और फिर वो फैन मेरे बाजू में बैठा था अफ्रीकन एयरलाइन में, और उसने वो दरवाजा खोला और वो पैराशूट ऑन ही करने वाला था। इतने में मैंने उसको कहा ले ले, और मैंने चलते एरोप्लेन में उसको वो सेल्फी दी। अगर मैं सेल्फी नहीं देता तो वो फ्लाइट से कूद जाता और चकनाचूर हो जाता। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। दीपक जी, इंस्टाग्राम पे जब आप कोई वीडियो डालते हैं उसके बाद, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि बवाल बन जाता है, ऐसा कभी बताइए कि हमें कि आपने कोई, जैसे कि आपकी सोशल मीडिया के जो इंस्टाग्राम के मैसेजेस होते हैं, सबसे अजीबोगरीब या फिर सबसे यादगार मैसेज कौन सा आया था आपके इंस्टाग्राम के मैसेज के डीएम में? एक लड़का जो था वो आत्महत्या करने वाला था, और वो लड़का जो था वो 110वीं मंजिल से न्यूयॉर्क में कूद रहा था। ओके। हाँ, तो वो लड़का जो था वो फाइनेंशियल क्राइसिस में था, तो उसने मेरा एक वीडियो देखा जिसमें मैंने ऐसे कहा कि पैसा है चक्के है मेरे पास है क्योंकि यही मेरी औकात है। तो उसको ऐसे लगा कि दीपक जो है वो इतना अमीर भी नहीं है, वो तो दुनिया में सिर्फ टॉप 500 लोगों में आता है, वो तो अंबानी से सिर्फ 50% रिच है। इतना होने के बावजूद भी वो ऐसे कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। वो लड़का फाइनेंशियल क्राइसिस में था, जब उसने मेरा वीडियो देखा उसको मोटिवेशन मिला और उसने वहां पे वो जो न्यूयॉर्क में जो बिल्डिंग थी उसमें वो 700वीं मंजिल से वो जो आत्महत्या करने वाला था तो 700वीं मंजिल पे आत्महत्या करने का उसने कैंसल कर दिया। पर तो बहुत मेरी बड़ी बात है कि मैंने एक लड़के की आत्महत्या करने से जान बचाई। मेरे वीडियो से लोग इंस्पायर होते हैं, एक्सपायर नहीं। कमाल की बात कही आपने। बड़ी सवाल है जो ज्यादा मैं पूछना, आपने बोला कि 700 माले की बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग कहीं दुनिया में है नहीं, आप श्योर हैं कि वो 700वां माला था? तेरा जो ऊपर का माला है ना वो खाली है, समझा? वैसे इस चमगादड़ की वीडियो इतनी देर तक देखने के बाद ना मेरा भी मन कर रहा है कि ये 700वें फ्लोर से कूद जाए, बट प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि 700 फ्लोर बना जो नहीं है। सो मैं हाथ जोड़ कर अपने अपने देश के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंजीनियर्स हैं उन सभी से निवेदन करती हूँ कि वो ना एक 700वें फ्लोर वाले बिल्डिंग जल्द से जल्द तैयार करा दें ताकि ये चमगादड़ उससे उल्टा तो लटक सके। वैसे इसके और भी कई विचार थे जिन्हें मैं धीरू और इसकी शादा के साथ फिट नहीं कर पाई, तो एक काम करते हैं, उन्हें ऐसे ही झेल लेते हैं। बिल्कुल समझ गए हम आपका जवाब। एक और फैन का सवाल आया है आपकी ओर, चंदन कह रहे हैं आपसे, भाई इससे पूछो कि कोरोना वायरस के इस काल में दीपक जी ने किसी की मदद की है? वेल, यहां पे अगर मदद करने के लिए जाऊंगा ना तो उसका कोरोना मैं लेके आऊंगा। कोरोना के इस पैंडेमिक में अगर आपको मदद करनी है तो आपको अपने आप को सेपरेट रखना है। अरे आजकल तो किसी भिखारी को पैसे भी देंगे ना, भिखारी को हम कोरोना पास करेंगे। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं 50 लाख रुपए की बोरी लेकर घर से बाहर निकला। 50 लाख रुपए की बोरी?
हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये पैसे मैं भिखारी को दूंगा और अगर वो भिखारी को कोरोना होगा तो ये नोटों के जरिए कोरोना वायरस फैलेगा, जिसके चलते मैंने डोनेशन को फुल स्टॉप दे दिया और फिर वो पैसे मैंने फ्लश कर दिए। 50 लाख रुपए नगद आपने फ्लश कर दिए? हाँ, क्योंकि मैं कोरोना नहीं फैलाना चाहता हूँ। अरे, ये मिलने बांटने के चक्कर में, दान धर्म के चक्कर में अगर आप लोगों में घुलोगे, मिलोगे, तो आप सिर्फ कोरोना ही फैलाओगे, और इसीलिए मैंने ये। क्या हम लोगों ने अभी तक नोटिस किया कि ये चमगादड़ टकला हो रखा है? अब किया ही होगा, पर पता है क्यों? नहीं नहीं, कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, इसके पीछे फुल साइंटिफिक रीजन है इसके पास। यहाँ पर पीयूष मित्तल सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अरे बाप रे, क्या पूछ रहे हैं आपसे? वो पूछ रहे हैं आपसे, गंजे क्यों हो गए तुम? क्योंकि गंजे होना जो है वो एक स्टाइल है। बड़े बड़े जो लोग है, भले वो पिटबुल हो या ब्रैड पिट हो, बहुत से लोग जो है वो गंजा होते हैं, क्योंकि ये कोरोना जो है उसको छिपने का मौका नहीं मिलता है। नासा में जो रिसर्च हुआ है उसके तहत ऐसे कहा गया है कि कोरोना बालों में छिप सकता है, और इसीलिए मैंने ये टकला किया है ताकि ये कोरोना फिसल कर नीचे गिर जाए। नासा में बालों के बारे में रिसर्च की गई है। शुक्ला जी सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे कि सोनू सूद जो हमारे हिंदुस्तान की हीरो, रियल लाइफ हीरो बनके उभरे हैं कोविड के दौरान में, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, उनके ऊपर क्या विचार हैं आपके? ये सोनू सूद तो बस ऐसे बांटते रहता है लोगों को और उसके बाद में खुद ही फिर मीडिया को फोन करता है, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, सोनू सूद ने इतनी हेल्प की, उतनी हेल्प की। लेकिन पिछली बार सोनू सूद का टैक्स के मामले में नाम आया था, जहां पे एक टीम पहुंची थी और सोनू सूद ने उनसे ब्लैक मनी मांगा था, और ये हुआ था, ये बवाल हुआ था इंडिया टीवी पे, जहां पे सोनू सूद ने काले धन मांगा था। तो सोनू को मैं ये सवाल करना चाहता हूं, अगर तू इतना दूध का धुला है तो क्यों नहीं तूने चेक मांगा? मतलब खुद मदद करेंगे नहीं और कोई और करे तो वो पब्लिसिटी स्टंट है, फेक है, मतलब चाहे वो दिखावा ही कर रहा हो। चलो एक पल को मान लिया कि सामने वाला बंदा दिखावा कर रहा है, पर तुम तो वो भी नहीं कर सकते हैं। वैसे लोगों की मदद करने की एक्सपेक्टेशन इस जैसे चमगादड़ से की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि अपने इंटरव्यू के होस्ट से कोई अगर ऐसे बात करता हो ना, तो बाई गॉड उससे क्या क्या उम्मीदें कर सकते हो? उम्मीद नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। ओए रेडियो जॉकी, दादा फुदक मत। मैं नहीं पूछ रहा, समझा? यहाँ पर से पूछ रहे हैं, तलहा सवाल। लेकिन ये मैसेज तू मुझे पहुंचा रहा है ना यहाँ तक, सिलेक्टेड सवाल पूछ, समझा? सिलेक्टेड सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। तेरा सरनेम वर्मा है ना? हाँ जी। तेरे को मैं घर में बिठा दूंगा ना, तो पता चलेगा तुझे, ज्यादा उछल मत। ठीक है दीपक जी, अच्छे अच्छे सवाल पूछ। चलिए ठीक है, आना है ना तुझे? ठीक है जी, आएंगे। तेरा करियर को जब मैं कैरियर बना दूंगा ना, ट्रक का कैरियर, हाँ जी, तब पता चलेगा तुझे, फुदकी हो मत। ठीक है दीपक जी, सवाल बदलता हूँ मैं, आपको पसंद नहीं आया तो। सवाल ये है कि देश में जो कोविड का माहौल फैला है और लोगों के दिमाग में ना बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं, लोग बहुत उदास हो गए हैं, बहुत लोगों की जाने जा रही हैं, बहुत लोग हर रोज कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं, आपका क्या कहना है देश के इस गंदे माहौल के बारे में? देश के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तू साला कोविड से मरेगा, लिख के लियो मुझसे, ये वीक में अगर तुझे कोविड नहीं हुआ ना, लिख के लियो। एक दीदी, दीपक दीदी, दीपक हिज्जी दीदी बद्दुआ दे रही है, तू ये जो सवाल मुझे पूछ रहा है ना, कोविड से तू मरेगा। कोई बंदा वुहान से आएगा, चाइना से, वुहान से, और तेरे बाजू में बैठेगा, तू मरेगा कोविड से। अब बता कुछ कुछ अभी सवाल, आप जवाब देंगे तो मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे तो मैं सवाल पूछता हूँ आपसे और। हाँ पूछना। ओके, तो जैसा मैंने कहा था अंत में बताऊंगी कि चमगादड़ क्यों कह रही हूँ। तो देखो यार, कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन है नहीं, इसका रीजन भी इसका इंटरव्यू ही है, इसने अपने इंटरव्यू में ऐसे कचरा फैला रखा है ना, तो उसके हिसाब से मैं इसे चमगादड़ नहीं तो और क्या बोल सकती हूँ। इसकी जो इच्छाएं, इसकी जो ख्वाहिशें हैं, बिल्कुल चमगादड़ों जैसी हैं, देख लो। ठीक है दीपक जी, अगर आपको एक मैसेज देना हो लोगों को कि वो पॉजिटिव कैसे रहे इस गंदे माहौल में कोविड के दौरान, तो क्या बोलना चाहोगे आप? पॉजिटिव तो होंगे ना, सब इन्फेक्टेड होंगे, तुम सालों का किसका भी निगेटिव नहीं आएगा, काली जुबान है, हाँ, बद्दुआ दूंगा, सब पॉजिटिव होंगे दीपक कलाल छोड़ के, क्योंकि दीपक कलाल इस आइलैंड में है, दीपक कलाल कभी इन्फेक्टेड नहीं होगा, लेकिन तुम सब पॉजिटिव होंगे, यही मेरी बद्दुआ है। दीपक जी, आप सच में चाहते हैं कि लोग जितने भी हिंदुस्तान में हैं, जिन्होंने आपको सराहाया है, काम सराहाया, आप सच में चाहते हो कि किसने सराहाया रे मुरे, किसने मुझे सराहाया? बहुत तुम लोगों ने मेरा एंटरटेनमेंट चैनल देखा, कपिल शर्मा का चैनल देखो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे देखा,
और कपिल शर्मा को बहुत सराहना मिली, करोड़ों रुपए मिले। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे पास पैसा छोक के है, लेकिन तुम लोगों ने कहा मुझे इतना कमा के दिया, इसीलिए सबको बद्दुआ दूंगा, सब मरे कतूरे, कोई ना रहे जिंदा। तो चाहते नहीं हो कि कोई भी जिंदा रहे, सिर्फ आप जिंदा रहो, ये चाहते हो आप दीपक जी? नहीं रहे, कुछ कुछ है अच्छे लोग, 0.001% वो रहेंगे, बाकी सब ऐसे ही है धरती को बोझ। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट कर देना आपको कौन सी बात मेरी ज़्यादा बेटर सही, मतलब कौन सी, जो जो कमेंट करना होगा कमेंट कर देना, शेयर कर देना और पिछली वीडियो भी जाकर जरूर देख लेना, उसमें काफ़ी मेहनत लगी थी, वैसे मेरी हर वीडियो में मेहनत लगती है, आप लोग देखते नहीं है, जाके वीडियोज़ देख लो, पुरानी वाली भी।